नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं इसके टेरेस एंड गार्डन टिप्स। आज हम आपको पौधों का शेप देना बताएंगे कि कैसे ग्रो करें और कैसे शेप दें कि अच्छे और खूबसूरत लगें। देखिए, मेरा ये गुआवा का प्लांट है, अमरूद। इसको हमने 20 लीटर की बाल्टी में लगाया है और देखिए किसी तरह कितनी अच्छी तरह से इसको हमने शेप दिया है कि एकदम गोलम गोल है, न किसी तरफ ज़्यादा न किसी तरफ कम, बिल्कुल एकदम शेप में है और अच्छी फ्रूटिंग भी कर रहा है। पिछली साल भी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हुई थी, इस साल भी देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। हर डाल में फूल हैं इसके, बहुत जल्दी ये फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आज बात इसकी नहीं, बात करते हैं हम अपने समी के प्लांट का। देखिए, ये मेरा समी का प्लांट है, कितने अच्छी तरह से शेप में आया है। अक्सर समी का प्लांट लोग लगाते हैं तो किसी एक तरफ भाग जाता है, तो इसको अच्छी शेप देने के लिए हमने कैसे दिया था, आइए देखते हैं। इससे पहले आप जो है हमारे वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इसको हमने कैसे शेप दिया था। इतना शेप ख़राब है, आ तो आइए इसको अच्छी तरह से शेप देने का काम करते हैं। इसको कैसे करें कि बिल्कुल खूबसूरत सा शेप आए। बिल्कुल देखिए बेढंगा हो गया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पौध प्लाट हमारा ये जो है ग्रो, इसका जो पॉट यहाँ है और यहाँ के बजाय ये उधर चला गया है। तो आइए इसको सही करके दिखाते हैं, तो आप भी एकदम बिल्कुल सही शेप दे सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और इसको अच्छी शेप देने का काम करते हैं। इसको अच्छी शेप देने के लिए हमें इतने ट्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये आरी लिए हमने, एक बड़ा पेचकस मजबूत सा, और मट्टी कोड़ाई के लिए और सफाई के लिए ले लिए हैं। तो आइए सबसे पहले इसे हम यहाँ से काट लेते हैं, क्योंकि ये कटर से तो कटेगा नहीं, तो आरी ही चलाना पड़ेगा। देखिए हम इसको मेन ब्रांच को काट दे हैं, बहुत बेढंगा हो गया था ये, लगभग 3 सालों से इसी में था। तो इसको अच्छी से शेप देते हैं और दिखाते हैं कि कितना जल्दी ग्रोथ करके ये अच्छे शेप में आ जाएगा। इसके रूट बाउंड हो चुके हैं तो मिट्टी भी बदल देंगे हम, मिट्टी ढीला करके इसे निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह से खींचे तो निकला नहीं। बड़े पेचकस से किनारे किनारे पार्ट टूटे नहीं, अक्सर पार्ट टूट जाता है, मिट्टी का पार्ट है, लेकिन पौधों के लिए मिट्टी का पार्ट सबसे बेहतर होता है। तो इसे हम इस तरह से धीरे धीरे मिट्टी को गमले से अलग करेंगे। इसको एक तरह देखिए हम आराम से निकाल रहे हैं। मेन ब्रांच देखिए लगभग ख़राब हो चुका था, लेकिन इसके जो ब्रांच निकले हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है, तो किनारे से निकालेंगे इस तरह से मिट्टी और उसके बाद इधर से निकाल लेंगे, जिससे काफ़ी जो है अभी ये होने के पूरे चांस रहेंगे और जल्दी ही हरा भरा हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं, तो इसके लिए मिट्टी बना के दिखाते हैं आपको और अच्छी तरह से लगा लेते हैं। देख रहे हैं कि ये हमारा टूल भी टेढ़ा हो जा रहा है, धीरे धीरे निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके रूट का क्या हाल है, हमने आधी खुदाई कर ली है लगभग। देखिए सिर्फ रूट ही है, मिट्टी का तो पता ही नहीं चल रहा नीचे। ये देखिए क्या हाल बना दिया इसने अपना। तो फिलहाल इस ऐसे में ये पौधा कैसे अच्छा शेप लेगा और ग्रो करेगा। देखिए हमने आधा इसको निकाल दिया है, अब इधर आधा से ये इस तरफ कर देंगे तो हमारा पार्ट निकल जाएगा, ये प्लांट निकल जाएगा, हमारा पार्ट भी बच जाएगा। देखिए हमने आधा इससे निकाल लिया है इस तरह से, देखिए, और इसको आधे से निकाल लेते हैं। देखिए क्या कंडीशन हो गया है इसका, ऐसे में क्या प्लांट ग्रो करेगा और क्या बढ़िया शेप आएगी, आप देख सकते हैं क्या हाल है इसके। तो इसका हम मिट्टी धीरे धीरे झाड़ लेते हैं। देखिए इसकी मिट्टी में जो है, मिट्टी से ज़्यादा जो है रूट खाली हैं, मिट्टी कम रूट ढेर ज़्यादा हो गए हैं। तो अच्छी तरह से इसे साफ कर लेते हैं, तो आगे दिखाते हैं इसको कैसे हम लगाएं। इस तरह से हम इसके एक्स्ट्रा रूटें जो हैं काट देंगे, एकदम रूटों से भर गया है। देखिए इसकी जो ज़्यादा बड़ी रूटें हैं हम काट देंगे,
देखिए ये एक पौधा बहुत शानदार तैयार होगा और अच्छे से शेप भी आएगा। हम चाहें तो और भी पौधे इससे तैयार कर सकते हैं, देखिए भी लगा सकते हैं अलग प्लॉट में, अगर प्लॉट में आप इसे लगा सकते हैं तो इससे दो पौधे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो आइए इस पौधे को हम लगा के देखते हैं। देखिए इसके गमले को हम अच्छी तरह से साफ़ कर दिए, अगर ये गीला होता तो हमें जो है इसे कुछ दिन धूप दिखाना होता कि फंगस ना रह जाए, लेकिन ये बिल्कुल नीचे मिट्टी में पानी नहीं जा पा रहा है। तो इसके देखिए मेन होल पे हम ये जो है इसके मेन होल पे एक इस तरह के पत्थर रख लेंगे जिससे ड्रेनेज बंद ना हो। देखिए कुछ सूखे पत्ते हैं, उसके बाद हम इसमें सूखे पत्ते डाल लेंगे। देखिए कंकड़ डालने के बाद हम सूखे पत्ते डाल दिए हैं, अब आइए इसमें मिट्टी भर लेते हैं। इसमें हम दूसरी मिट्टी भरेंगे और वो मिट्टी को अब धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसकी मिट्टी में हम ये देखिए नीम खली है, एक मुट्ठी इसमें नीम खली मिला देंगे ताकि रूट फंगस ना लगे। और इसके मिट्टी में हमने पहले से बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला रखा है ताकि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रहे। खूब अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद जिस प्लांट को लगाना है इसकी रूट जो है देखिए इससे ज़्यादा मोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा सा इस तरह कर लें और यहाँ पे ऐसे पकड़ लें इसे, उसके बाद इसमें धीरे धीरे मिट्टी डालते जाएं। दोस्तों जब भी नया प्लांट लगाएं पूरा रूट निकाल लिए हों तो उसके नीचे जो है एक सपोर्ट अच्छी तरह से दें ताकि पानी डालने के बाद ये पौधे जड़ से हिले ना, तो क्योंकि रूट जब हिल जाते हैं लगाने के बाद तभी पौधा जो है आपके जो है प्लांट गड़बड़ होता है। अगर ये इसको अच्छी तरह से सपोर्ट दिए रहेंगे, क्योंकि मिट्टी नई है तो हिलना तो तय है हिल ही जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से सपोर्ट दे दें। अगर एक हफ्ते के लिए सपोर्ट दे देते हैं तो इसके रूट जो है डेवलप हो जाते हैं और पौधा सेट हो जाता है। तो इस तरह से इसे एक लकड़ी का सपोर्ट दे के अच्छी तरह से बांध लें, बाद में हम लकड़ी निकाल सकते हैं क्योंकि ये ब्रांच खुद ही बहुत मजबूत होता है इसके। और उसके बाद इसमें हम दे देते हैं पानी। इसको जो है एक जगह लगाने के बाद हम पौधों के छांव में रख देंगे और उसके बाद दे देंगे पानी। अगर इस तरह से आप जो है सेटल पौधे को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, बरसात के दिनों में बहुत ही ईजिली हो जाता है, तो इस तरह से सेटल कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत जल्द जो है एक महीने में ही ये आपको एकदम अच्छे से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत पौधा तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक महीने बाद। देखिए दोस्तों एक महीने बाद का रिजल्ट है ये, कितना अच्छी तरह से ये पौधा ग्रो किया है और बिल्कुल अच्छे शेप में है। इसको और अच्छा शेप देना हो तो साइड साइड का ये जितने साइड से निकल रहे इन्हें हम काट लेंगे तो बहुत ही अच्छा शेप आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। देखिए दोस्तों एक महीने बाद का रिजल्ट है ये, कितना अच्छी तरह से ये पौधा ग्रो किया है और बिल्कुल अच्छे शेप में है। इसको और अच्छा शेप देना हो तो साइड साइड का ये